यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 7, जिसका नाम जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको कंप्लीट। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो ओवरऑल मिला करके ये 10 चैप्टर जो है जो अपने को पढ़ के जाने हैं। तो 10 चैप्टर है कौन कौन से, मैं एक बार दिखा दूं आपको। सबसे पहला चैप्टर है अपना ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर आपका टाइप ऑफ बैंक, फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, फिर है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फिर है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक है डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, और लास्ट इज द इंश्योरेंस। तो ओवरऑल मिला करके जो बुक मैंने आपको आपके होम एड्रेस पे भेजी हुई है वो ये, इस बुक के अंदर टोटल मिला के जो है ये 10 चैप्टर के अंदर जो है वो पूरा बैंकिंग का सिलेबस हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो अब रिवीजन के लिए जो है हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, तो एक तो रिवीजन की ऑडियोस तो मैंने वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप है उसका ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके ऊपर हम जो है वो रिवीजन की ऑडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो कंप्लीट सिलेबस की जो है वो एक मैराथन जो है वो वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है उसको हम जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे। तो एक रिवीजन तो आपकी शायद होगी होगी जो मैंने ऑडियो के अंदर करवाया, और एक जो फाइनल टच जो है वो हम आज दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हम आज सारे के सारे चैप्टर्स को जो है वो क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। वीडियो बड़ी ना बने तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये मैंने सोचा कि मैं 5 लेक्चर्स इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी ये 5 अगली वीडियो में। तो 2 लेक्चर के अंदर जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूनिट कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर इनकम टैक्स का बनाएंगे, फिर आईबी का बनाएंगे, फिर अकाउंट्स का बनाएंगे, ऑडिटिंग का बनाएंगे, इस तरीके से सारा का सारा अपना जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे। इसके साथ ही पेपर 1 की जो है वो भी कंप्लीट जो रिविजन ऑडियोज जो है रिविजन वीडियोज वो भी आने वाली है, प्लस में उसके MCQs हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ओके। हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो आपको मैंने बुक दी है इसके पेज नंबर 1 पे आएंगे। रिवीजन करने का मोड क्या रहने वाला है, आप इसका जो है वो अपना चैप्टर खोल के बैठेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप अपनी बुक खोल के बैठेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको लिखवा भी रखी है तो वो भी आप साथ साथ में लेके बैठेंगे। तो जैसे आपने पेज नंबर 1 खोल लिया, ओके, तो मैं बोलते जाऊंगा और आप उसमें हाईलाइट करते रहिएगा, ओके, और टिक करते रहिएगा कि क्या क्या चीजें इस पेज के ऊपर क्या है इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ जी, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले जो है वो अपना आ रहा है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका ओवरव्यू। किस चीज का ओवरव्यू है, ये है सर ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो अपने इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है तो उसका ओवरव्यू जो है वो इसके अंदर हमने चर्चा करनी है। तो पहले अगर बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम जो बेसिकली क्या होता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल सेक्टर से डील करते हैं, ओके। और अपने इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो पढ़ते हैं क्या, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो है वो 4 कंपोनेंट जो है वो आते हैं। वो आते हैं क्या क्या, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, और एक आता है आपके कौन, एक आता है कौन, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये चारों मिला करके जो है वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं इसके रोल का, कि रोल जो है वो क्या होता है, मतलब एक कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है तो उसका बेसिक रोल, वो कंट्री के अंदर क्या भूमिका बात है। तो सबसे पहले तो मोबिलाइजिंग ऑफ द सेविंग, तो वो सेविंग को इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे कैपिटल को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। जो हमने सेविंग को इकट्ठा किया उसको चैनलाइज करवाएंगे, कहां पे चैनलाइज करेंगे, हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर लगाएंगे। फिर अलग अलग आपके प्रोजेक्ट है तो उनको इवैल्यूएशन करने में और उनमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। पेमेंट मैकेनिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने में आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। रिस्क को मिनिमाइजिंग करने में हेल्प करता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और आपको अलग अलग सेक्टर की इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। अब बात आती है कंपोनेंट, तो फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट के नाम पे आपको मैंने दिया था, इसमें 4 चीजें आती है। एक आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो 2 मार्केट को हम कवर करते हैं,
पहली बात फाइनेंशियल मार्केट है क्या? सर फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है, बेसिकली जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, सेल परचेस का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ द टू टाइप जनरली, एक होता है आपका कौन सा प्राइमरी मार्केट और एक आपका मनी मार्केट और एक कौन सा आपका कैपिटल मार्केट, फिर आगे कैपिटल मार्केट के और सेगमेंट भी बन जाएंगे। तो अभी के लिए जो है हम लोग ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या, फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या है, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेंटर है और अरेंजमेंट है जो ऑफर करता है फैसिलिटी टू परचेज एंड सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड। तो बेसिकली फाइनेंशियल जो मार्केट आपकी वो क्या है सर, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमारी बेसिकली क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल सेंटर है या वो हमारा एक अरेंजमेंट है जो क्या करता है, जो हमको ऑफर करता है कि जहां पे जाकर के हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो सेल परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, तो ये बेसिक से यहां पे दिया हुआ है। अब इसकी जो है वो टाइप कितनी है, फाइनेंशियल मार्केट की दो टाइप है। सबसे पहले नंबर पे आता है कौन सा, मनी मार्केट। अगर बात करेंगे मनी मार्केट का, तो मनी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। दूसरा यहां पे जो है वो क्या बोलता है, मनी मार्केट के अंदर जो है वो आपका शॉर्ट टर्म फंड्स या मनी मार्केट में जो आपका डीलिंग होती है वो जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और यहां पे कंपनीज जो है वो आती हैं क्या करने के लिए, कंपनी या गवर्नमेंट आती है क्या करने के लिए, शॉर्ट टर्म के तौर पे जो है फंड्स को कलेक्शन करने के लिए। इसके बाद में यहां पे बोलता है मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे वेयर इन मनी इज बोरो एंड लेंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अच्छा जी, इसके बाद में इंपॉर्टेंस बता रखा है मनी मार्केट का, एक कंट्री के अंदर अगर डेवलप्ड मनी मार्केट होगी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी मार्केट जो है अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट जो है वो कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंकों की, कमर्शियल बैंक जो है मनी मार्केट की मदद से जो है वो पैसा लगा सकते हैं कहाँ पे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। फिर गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए तो गवर्नमेंट जाती है जनरली कहाँ पे, मनी मार्केट में, विद द हेल्प ऑफ द आरबीआई। गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि आरबीआई तुम एक काम करो, हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो तुम जाओ मनी मार्केट में टी बिल्स को क्या करो, इशू करो। तो गवर्नमेंट को अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए तो गवर्नमेंट एंट्री मारती है कहाँ पे, मनी मार्केट में। फिर इंपॉर्टेंस टू द सेंट्रल बैंक के लिए भी मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का एक काम होता है क्रेडिट को क्या करना, कंट्रोल करना, और सेंट्रल बैंक ये क्रेडिट कंट्रोल का जो काम है वो करता है विद द हेल्प ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फिर मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स, ये तो बेसिक सी बात है। उसके बाद है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक मनी, एक प्रॉपर मनी मार्केट जो है कमर्शियल बैंक को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट बेसिक सा। फिर बात करते हैं अब कैपिटल मार्केट का, तो कैपिटल मार्केट जनरली जो है वो क्या करती है, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जाते हैं कहां पे, कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट के कुछ ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस देखिए, ये भी क्या क्या करते हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है सिक्योरिटीज में, जो सिक्योरिटीज है शेयर हो गए डिवेंचर हो, तो उनके प्राइस में स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और कैपिटल फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। अब कैपिटल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है, तो अगर फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले आता है मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स को इकट्ठा करना, ये इसका फंक्शन है। दूसरा इंड्यूस द कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करना, बढ़ाना, ये इसका काम है। फिर है सप्लाई ऑफ द वर्किंग कैपिटल को सप्लाई करना, मतलब लोगों को वर्किंग कैपिटल के तौर पर जो है फंडिंग करवाना कंपनीज को, तो ये भी इसका काम है। इनकम इंक्रीज होती है, इससे नेचुरल बात है जब आप यहां पे डीलिंग करते हैं तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपकी इनकम में क्या होगा, ग्रोथ होगा। फॉरेन कैपिटल जो है आप सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट आपको अलाउ करती है कि आप फॉरेन से भी पैसा रेज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द एडीआर एंड जीडीआर। इसके बाद अब बात आती है रिलेशन क्या क्या है कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट में, तो रिलेशन के नाम पे मतलब रिलेशन और डिफरेंस दो चीजें आती है। सबसे पहले तो इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, सबसे पहले तो सिमिलरिटी ये कि इनका इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब कैपिटल मार्केट हो चाहे मनी मार्केट हो दोनों के अंदर जनरली आपको इंटरेस्ट जो है वो कैसा मिलेगा, वो आपको इंटर रिलेटेड मिलेगा। फिर एक कॉमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके, ठीक है, जो इनके अंदर डील करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉमन है, और जो लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी जनरली क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन इंडस्ट्री ये सब। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस की बात करें सबसे पहले पीरियड ऑफ लोन, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। फिर नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल मार्केट में जो है वो फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों में डील होती है, लेकिन मनी मार्केट के अंदर ओनली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही पूरी होती है। फिर एक कंपोनेंट, कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग करता है और मनी मार्केट के अंदर कॉल मनी मार्केट जनरली ये चलती है। मिडिलमैन के तौर पर अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भूमिका निभाते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर जो मनी मार्केट में डिपॉजिटर एंड बोरोवर ये भूमिका निभाते हैं। मेन एक्टिविटी कैपिटल मार्केट के अंदर मेन एक्टिविटी क्या होती है, अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर, ये इसका मेन एक्टिविटी होता है, लेकिन मनी मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ बिल्स, जो बिल्स हैं शॉर्ट टर्म के उनमें। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, अगर बात करता हूं मैं स्पेशलाइजेशन का, तो स्पेशलाइजेशन में ये बोलता है कि कैपिटल मार्केट जो है वो स्पेशलाइज है किसमें, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने में,
ठीक है। और जो मनी मार्केट है वो स्पेशलाइज है किसमें, लेंडिंग करना और बोरोविंग करना, किसका, जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। फिर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन ये है कि कैपिटल मार्केट का जो मेन फंक्शन है वो मोबिलाइज करता है रिसोर्स को किसके अंदर, इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स के अंदर। और अगर बात करूंगा मनी मार्केट का तो मनी मार्केट जो बेसिकली क्या करता है, ये लेंडिंग एंड बोरोविंग करता है किसका, फंड्स का। डिग्री ऑफ रिस्क की बात करें कैपिटल मार्केट रिस्क बहुत ही हाई होता है लेकिन मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम है। फंड टू गवर्नमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आएगा जी हमारे नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मीनिंग के तौर पर जो है वो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक है कौन से आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। अगर बात करूंगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का तो बैंकिंग के अंदर दो तरह के आएंगे, एक आएगा ऑर्गेनाइज और एक आएगा कौन सा, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के अंदर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं कौन से, जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए जो है वो डीलिंग करते हैं। फिर है कोऑपरेटिव, जो अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। फिर है रीजनल बैंक, रीजनल बैंक जो है वो क्या होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो ऑपरेट करते हैं। फिर आएंगे आपके कौन से, फॉरन बैंक, फॉरन बैंक जो एक कोई भी ऐसा बैंक जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ इंडिया के बाहर लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया कहां पे, इंडिया में, ठीक है जी। अनऑर्गेनाइज के अंदर दो आएंगे, एक आएंगे इंडिजिनस बैंक जो बेसिकली देसी बैंक जो होते हैं वो, जैसे आपके साहूकार हो गए ये सब, और एक आते हैं इसके अंदर कौन, मनी लेंडर। अब बात करूंगा अगर मैं नॉन बैंकिंग का तो नॉन बैंकिंग के अंदर दो है, एक है ऑर्गेनाइज एक है अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज के अंदर आएंगे आपके डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक, ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए ओनली क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। और एक आएंगे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, इनका भी मेन काम जो है वो इन्वेस्टमेंट, इनको इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में या कोई भी कॉर्पोरेट यूनिट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको फंडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं जी, इनके बाद में आरआरबी के बाद में आएगा आपका अगला, अब आप आओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका क्लेम होता है किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जो आपका कोई क्लेम हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली दो तरह के होंगे, एक होंगे आपके प्राइमरी सिक्योरिटी, एक आएगा कौन सा, सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी इशू की जाती है इन द डायरेक्ट, जो सिक्योरिटी इशू की जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, उनको बोलते हैं आप लोग क्या, प्राइमरी। तो प्राइमरी को बोलते हैं डायरेक्ट सिक्योरिटी, ठीक है, दिस सिक्योरिटी आर डायरेक्टली इशूड बाय द अल्टीमेट बोरोवर ऑफ फंड, ठीक है। और सेकेंडरी जो है वो कौन सी होती है, जो इनडायरेक्ट सिक्योरिटी होती है, जिनको आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की हेल्प से जो है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं। इसके बाद में आएंगे जी फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूं तो इसको डिफाइन करते हैं, ये कोई भी, मैंने आपको लिखवाया था, इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट एंड सर्विस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक ऑफ द वेरियस काइंड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिना रुके हो, तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की जाती है, डेट सर्विसेज आर नोन एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पास में दो तरह की होती है, एक होती है कौन सी आपकी, एक होती है जी आपकी फंड बेस और एक होती है कौन सी, फी बेस। पहले अगर मैं बात करूंगा फंड बेस का तो फी बेस का, तो फी बेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में आपसे क्या करेगा, कुछ फीस चार्ज करेगा। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, बहुत सारी सर्विसेज जो है वो इसके अंदर आती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट काउंसलिंग का, कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में काउंसलिंग करना कि उसके अंदर पैसे लगाना हमारे लिए फीजेबल वायबल भी है या नहीं है। फिर क्रेडिट सिंडिकेशन का, मतलब अगर आपको इकट्ठा पैसा चाहिए, ठीक है, बल्क में पैसा चाहिए, तो ये क्रेडिट सिंडिकेशन का फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इशू मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, अगर आपने शेयर इशू करने हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, इसका मतलब ये है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आपको मदद करते हैं अमलगमेशन में, अमलगमेशन के अंदर, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, ठीक है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है कि कितना पैसा डेट से लेना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी से लेना चाहिए, ये लोग उसके लिए जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट काउंसलिंग की सर्विस भी देता है, इसका इसके अंदर आपको काउंसलिंग देते हैं, मतलब वो आपको जो है वो सेवाएं देते हैं जिसके अंदर आपको बताते हैं, आपको राय देते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन किस फील्ड में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस भी देते हैं, जिसके अंदर अगर मान लो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है तो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस मिलता है। स्टॉक ब्रोकिंग और डीलरशिप की सर्विस भी मिलती है, ठीक है, जॉइंट वेंचर अब्रॉड और ये डिबेंचर ट्रस्टीशिप का। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो लीज फाइनेंसिंग है ना, ये आपका फंड बेस के अंदर आता है, ये गलती से यहां पे आ गया, तो ये फंड बेस का पार्ट है, थोड़ा देख लेना। इसके बाद फंड बेस के अंदर बेसिकली क्या आएगा, फंड बेस सर्विसेज वो सब सर्विसेज होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी एसेट को या फंड्स को एक्वायर करने के लिए, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, वेंचर कैपिटल हो गया, बोट आउट डील्स हो गया,
जिसमें हम शेयर्स को ऑफर करते हैं किसको, पब्लिक को, थ्रू द हेल्प ऑफ द स्पॉन्सर। फैक्टरिंग का सर्विस हो गया। अब फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कोई कंपनी जो है ठीक है उसने अपने जो है वो सामान बेचा उधार के अंदर। अब कंपनी ने सामान बेचा उधार में, ओके। अब उधार में सामान बेचने के बाद में अब कंपनी जो है वो क्या बोल रही है, अब कंपनी बोल रही है जी हमने उधार में बेच दिया बट पैसा हमको मिलेगा 2 या 3 महीने के बाद। लेकिन कंपनी को अगर इमीडिएट नीड है तो कंपनी जो है वो जाती है एक पर्सन के पास जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर, और कंपनी उसको बोलती है देखो हमने हमारे ये कुछ हमारे डेटर्स है जिनसे हमने पैसा लेना है जो देंगे हमको 2 महीने या 3 महीने के बाद, तो आप हमें एक बार इनको फिनांस कर दो, एक बार आप हमको पैसा दे दो कुछ भी 60% या 70% जो हमारे डेटर्स हैं, और जब मैच्योरिटी होगी जब हमारे डेटर हमको पैसा देंगे तो उस टाइम पे आप उनसे रिकवरी करके अपना पैसा काट के बाकी हमको दे देना। ये जो सर्विस होती है डेट सर्विस इज नोन एज फैक्टरिंग सर्विसेज। इसके अलावा फिर अपने इंडिया के अंदर जो है ये क्रेडिट रेटिंग का फैसिलिटी जो है ये सब भी आपको क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर बेसिकली जो है वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं ठीक है, जो क्या करती हैं, जो आपकी सिक्योरिटी की रेटिंग कर देंगी। अगर एक बार आपकी सिक्योरिटी का क्या करते हैं रेटिंग कर दिया और अगर आपकी सिक्योरिटी को बढ़िया रेटिंग मिली है तो आपकी सिक्योरिटी को लोग जो है वो परचेस करने के लिए क्या रहेंगे, विलिंग रहेंगे। और अगर आपकी सिक्योरिटी जो है उसकी अगर मान लो रेटिंग जो है वो पुअर मिली है, दैट मींस कि इस सिक्योरिटी में अगर कोई पैसा लगाएगा तो वो आप पे रिस्क फैक्टर जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फिर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से बहुत सारी आ गई हैं। इसके बाद अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वो अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहला तो जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट से पब्लिक। 1947 के बाद में जब कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम किया नेशनलाइजेशन का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो है वो बना दिया, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया। दो काम होते हैं, एक होता है नेशनलाइजेशन और एक होता है प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको गवर्नमेंट का बना दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करती है। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट लोगों को बेच देती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो नेशनलाइजेशन हुआ किसका, आरबीआई का। 1935 के अंदर जो है जब आरबीआई को बनाया गया तो फिर आजादी के बाद 1947 में कंट्री आजाद हुआ और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और आरबीआई ही पूरे इंडिया के अंदर जो भी अपना बैंकिंग सेक्टर है तो उसके लिए जो है पॉलिसी मेकिंग या रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। फिर एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एसबीआई से पहले जो अपना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो मर्ज को रीनेम करके 1955 में क्या बना दिया, एसबीआई बना दिया। फिर एलआईसी का भी क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, जो डेट दे रखे वो याद कर लीजिएगा। फिर बहुत सारे कमर्शियल बैंक से उनको भी नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन दो फेज में चला, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया, एक बार किया 1969 में और एक बार किया 1980 के अंदर। 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया और 1980 में 6 बैंकों को किया। फिर जीआईसी जो है उसको भी क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। उसके लिए पहले एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं गिबना 1972 ठीक है, इसको भी नेशनलाइज कर दिया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे आपके जो है इंस्टीट्यूशन बनाए गए, लाइक डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले, तो इसके अंदर सबसे पहले IFCI, ये पहला अपना DFI था। अपने इंडिया के अंदर जो है हमने बहुत सारे DFIs बनाए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो सबसे पहला DFI था वो कौन सा था, IFCI, जिसको जो है वो 1948 के अंदर बनाया गया। फिर स्टेट लेवल के ऊपर जो है बहुत सारी SFCs बनाई गई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है बनाई गई। इसके लिए अपने इंडिया में पहले एक SFC एक्ट 1951 पास किया गया और हर स्टेट को बोला गया कि आप भी अपने यहाँ पे जो SFC बनाएंगे। टोटल आज के डेट में 18 SFC जो है वो वर्किंग कर रही है। फिर कुछ और NIDC करके जो है वो बॉडी बनाई गई, ICICI, रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, इन सबको डेवलप किया गया। स्पेशल बात ये ध्यान रखना, IDBI को बनाया था एज ए DFI, अपने पूरे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जो है सबसे अपेक्स बॉडी जो है जो है वो IDBI था, लेकिन बाद में इसको बैंक बनाया। और अभी IDBI जो पहले गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का बैंक था, अब वो क्या बन गया, वो प्राइवेट बैंक बन गया, क्योंकि LIC के शेयर को एक्वायर कर लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो क्या किया गया, सेटअप किया गया। अब कमर्शियल सेक्टर का रोल भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। इसके बाद में एक टॉपिक मिलेगा आपको, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या, लिबरलाइजेशन के बाद में 1991 के अंदर जो है वो LPG का पॉलिसी आया, तो LPG की पॉलिसी आने के बाद में सिनेरियो क्या रहा पोस्ट लिबरलाइजेशन का। तो बोलते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हुआ, पहले रिस्ट्रिक्टेड था, बाद में एंट्री जो है हमने शुरू कर दिया। बहुत सारे और DFI हमने क्या किया, डेवलप किए ठीक है, जो बेसिकली कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे। NBFCs को जो है वो क्या किया गया, अलाउ किया गया। RBI ने ये बोल दिया कि ऐसे एरिया जहां पे बैंक
बैंक्स जो है वो बेसिकली अभी डील नहीं कर रहे हैं या बैंक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जो अनबैंक एरिया है वहां पे एनबीएफसी को बोला कि आप जाओ वहां पे बैंकिंग जैसा काम जो है वो करना क्या करो स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, जिसके लिए सेबी को बोला गया कि आप म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेशन ओपन करेंगे। और सेबी ने 1996 के अंदर जो है वो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 जो है वो शुरू किया, जिसके अंदर जो है गाइडलाइंस दी गई कि एक म्यूचुअल फंड वाला किस तरीके से काम करेगा। फिर सेबी को एस्टेब्लिश किया 1992 के अंदर। सेबी बेसिकली जो है जो भी आपकी कैपिटल मार्केट है सबके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया। इसके बाद एक टर्म है यूनिवर्सल बैंकिंग। पहले बैंक जो है वो ओनली बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता था, लेकिन अब जो है वो बैंक बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक म्यूचुअल फंड का हो गया, लाइक इंश्योरेंस हो गया। तो बैंकिंग के अलावा जो सारी एक्टिविटी होती है, बैंकिंग एक्टिविटी के अलावा वो सारी एक्टिविटी जो एक बैंक परफॉर्म करता है, डेटा नोन ऐसा पैरा बैंकिंग एक्टिविटी। और बैंकिंग एक्टिविटी प्लस पैरा बैंकिंग एक्टिविटी दोनों को जोड़ दे तो इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल बैंकिंग। एक वर्ड तो नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग बेसिकली एक टर्म है जिसके अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक जो पैसा पब्लिक से आया उस पैसे को ओनली सिक्योर जगह पे ही जो है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाता और बेफालतू में जहां किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आएगा ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग का मतलब क्या, अगर आपने किसी ऐसे बैंक में पैसा लगाया जिसका डोमिसाइल जो है वो आपके नेशन का नहीं है, मतलब अगर आप जो है वो किसी स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर कोई पैसा जमा करवाते हो या वहां के किसी बैंक से बैंकिंग सर्विसेज लेते हो, दैट नोन एज द ऑफशोर बैंकिंग। मतलब जब पैसा जमा करवाने वाले डिपॉजिटर या बैंक का कस्टमर और बैंक दोनों जो है वो एक ही कंट्री के नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं आप क्या, ऑफशोर बैंकिंग। इसके बाद आएगा एमएनबी, मल्टीनेशनल बैंक। बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंकों को भी अलाउ किया गया बाहर से, बहुत सारे अगर आप देखते हैं एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक हो गया, तो ये सारे जो है वो हैं बाहर के, इनका इनकॉर्पोरेशन का हुआ बाहर हुआ, बड़ी अपना ऑफिस काम पे खोल के बैठे इंडिया के अंदर भी, तो ये इन सबको अलाउ किया गया। इसके बाद है मोबाइल बैंकिंग, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। एक होता है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब बैंक जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज होलसेल। एक आता है रिटेल। रिटेल के अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड वालों को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट आर नोन एज रिटेल बैंकिंग। लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद में जो है वो आता है जी अब आपका चैप्टर नंबर 2, जिसकी हम बात करें टाइप ऑफ बैंक्स की। चैप्टर नंबर 2 है टाइप ऑफ बैंक। अगर हम बात करें टाइप ऑफ बैंक का, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, देखो पहली बात बैंकिंग कंपनी कौन है। बैंकिंग कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर बैंकिंग का काम करती है, डेट इज नोन एज अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, अब बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंकिंग के अंदर आता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग, लोगों से पैसा क्या करना, एक्सेप्ट करना। क्यों करना, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग करने के लिए, ऑफ द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक विच आर रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। एक स्पेशल बात ध्यान रखना, अपने इंडिया के अंदर जो भी बैंक खुलेगा तो उसको अपने नाम से पहले प्रीफिक्स या सफिक्स नाम के बाद में ये तीन में से कोई भी वर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा, बोले तो बैंक, बैंकर, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी। इसके बाद है एनडीटीएल। ये क्या होता है, बैंकों के पास में जो भी पैसा आता है, पब्लिक जो पैसा बैंकों के अंदर जमा करवाती है, तो वो बेसिकली दो तरीके है, तो बैंक की वो लाइबिलिटी है, ठीक है ना, बैंक का पैसा नहीं है, कस्टमर का पैसा है। अब बैंक उसको जो है उस लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होती है उसको बोलता है डिमांड लाइबिलिटी और एक होती है कौन सी उसको, टाइम लाइबिलिटी। जो पैसा जैसे कस्टमर डिमांड करेगा देना पड़ेगा, डिमांड लाइबिलिटी, और जो पैसा एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद लाइक एफडी हो गया, आरडी हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम लाइबिलिटी। यहां पे एक टर्म आती है कासा। कासा बोलते हो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ता है वो सारी की सारी आपकी डिमांड लाइबिलिटी है। इसके बाद कुछ डिमांड लाइबिलिटी और कुछ टाइम लाइबिलिटी दे रखा है। अच्छा जी, अब आएगा बैंक। सबसे पहला बैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो खुला था वो खुला था 1148 के अंदर, 1148 के अंदर, उसका नाम था कासा डी सैन जियोर्जियो। और पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक जो खुला था उसको बोलते हैं बैंक ऑफ वेनिस 1157 में। बैंक क्या क्या फंक्शन करता है वो देख लीजिएगा, नॉर्मल सा। इसके बाद ये है जी आपका सबसे पहला बैंक इंडिया में जो खुला वो खुला था 1770 के अंदर, जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1829 से 30 के पीरियड में बंद हो गया। फिर 1786 के अंदर दूसरा बैंक खुला जिसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1791 के अंदर बंद हो गया। इसके बाद तीन प्रेसिडेंसी बैंक ओपन किए गए 1840 में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को बाद में मर्ज किया 1926 के अंदर इन 21 में, और क्या नाम दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जेएमकेएस की रिकमेंडेशन पर। और फिर 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या बना दिया, एसबीआई बना दिया। ठीक है जी, इसके बाद में 56 के अंदर एसबीआई को नेशनलाइज किया, और फिर एसबीआई की जो है वो कुछ 7 सब्सिडियरी को जो है वो क्या किया गया, एसोसिएट को बनाया गया 1960 में। 2008 में एसबीआई की एक सब्सिडियरी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, उसको एसबीआई में मर्ज किया तो रहेगी 6। फिर 2010 में एक और सब्सिडियरी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज किया एसबीआई में, रहेगी कितनी, 5। और 2017 के अंदर जो है एसबीआई के अंदर
भारतीय महिला बैंक और SBI की पांचों सब्सिडियरी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद आज की डेट में SBI पूरे अपने इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद कुछ और बैंक भी खुले। 1865 के अंदर बैंक ऑफ अलाहाबाद खुला, 1894 के अंदर PNB खुला, 1926 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन सेटअप किया गया RBI को बनाने के लिए, 1949 के अंदर बैंकिंग कंपनी एक्ट खोला गया था। ध्यान से सुनना, अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है तो उनको रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग कंपनी एक्ट जो है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग पहले नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, बाद में 1965 में इसका नाम चेंज करके जो है वो कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके बाद में 1969 के अंदर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ठीक है, जिनकी भी डिपॉजिट जो 50 करोड़ या उससे ऊपर थे। और फिर 1980 के अंदर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ या उससे ऊपर का था। इसके बाद आओ जी आगे फेजेस। अगर फेज की बात करते हैं तो बैंकों के 3 फेज हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। 3 फेज कौन कौन से हैं। फेज 1 है 1770 से लेकर के कब तक का, नेशनलाइजेशन के फेज से तो पहले तक का। दूसरा फेज है नेशनलाइजेशन का 1969 से लेकर के और 1991 तक का। और फिर जब हमने जो है वो रिफॉर्म किया उसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग फेज, ठीक है। नया फेज वो है आपका 1991 से लेकर के एट प्रेजेंट तक का, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी आपका आगे, चलो क्वेश्चन आया वाई बैंक नेशनलाइज। पहली बात तो नेशनलाइजेशन क्या है, तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट लोगों से जो है वो उनका कंट्रोल टेक ओवर कर ले। बोल तो नेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट टेकिंग कंट्रोल ओवर द एसेट एंड ओवर ए कॉर्पोरेशन यूजली बाय एक्वायरिंग द मेजोरिटी ओवर द होल स्टेक इन द कॉर्पोरेशन। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, नेशनलाइजेशन। बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया जाता है, वाई बैंक नेशनलाइज, उसके पीछे का जो है लॉजिक ये था। प्राइवेट बैंक जो है वो रूरल एरिया में नहीं जाता था क्योंकि वहां पर उसका बिजनेस कम था, तो उससे इनइक्वलिटी फैल रही थी। अब इनइक्वलिटी क्या था, प्राइवेट बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो लगभग खुल रहे थे कहां पे, शहरों के अंदर, अर्बन एरिया में, और रूरल में नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने इस इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए, ताकि रूरल एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन तक भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन 2 बार में हुआ, एक बार हुआ 1969 में 14 बैंकों का, और एक बार हुआ 1980 में 6 बैंकों का। ओके, हाँ जी सर। इसके बाद की कहानी आगे है जी आपका फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बिल्कुल बच्चों वाले फंक्शन है, क्या क्या बैंक जो है वो क्या क्या काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेवलपमेंट, ये आपके जो है वो फंक्शन है। तो प्राइमरी के अंदर तो पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है, एडवांसिंग करना, क्रिएट करना और चेक सिस्टम हो गया। सेकेंडरी के अंदर 2 तरीके के काम करते हैं, एक होता है एजेंसी फंक्शन, एक है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंदर पॉइंट पॉइंट जो है वो याद करके जाना पड़ेगा, बाकी अंदर से डेप्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एजेंसी फंक्शन का बस ये ध्यान रखना, जहां पे जो काम करना था कस्टमर ने, लेकिन बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पर काम करता है, उसको बोलते हैं एजेंसी। और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन जो बैंक परफॉर्म करके देता है, लाइक आपको लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, रेफरी बनना, तो ये सब जो है ये सब आएगा किसके अंदर, आपके आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शन में। इसके बाद डेवलपमेंट फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करता है, ठीक है, लोगों से पैसा जो है मोबिलाइज करता है, फिर उसको जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, यूज करता है। और कुछ मॉडल फंक्शन जो आज की डेट में चल रहे हैं, ठीक है, 24/7 बैंकिंग वाला, ये सब ये मॉडल फंक्शन का पार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे आएंगे जी आपके, एक मिनट रुकिएगा, एस टाइप ऑफ बैंक, पेज नंबर आओ आप 30 पे। अगर पेज नंबर 30 के ऊपर आएंगे तो वहां पे टाइप ऑफ बैंक का टॉपिक मिलेगा, और टाइप ऑफ बैंक के अंदर जो है वो आपको बैंक का ना क्राइटेरिया बता रखा है। अभी बैंकों का क्राइटेरिया ये देखो एक बार, एक मिनट कहाँ गया, येलो ये आ गए जी आपके टाइप ऑफ बैंक पेज नंबर 30 पे। और जो टाइप ऑफ बैंक है उनका बता रखा है यहाँ पे, ये सिस्टम सारा का सारा कैसे कैसे है। तो बोलता है ये रहा टाइप ऑफ बैंक, ये रहा टाइप ऑफ बैंक जो है वो इस तरीके से आपको जो है वो बता रखा है पेज नंबर 30 पे। और ये बोलता है कि बैंकों को जो है वो क्या क्या इनकी कैटेगरी बनाई गई है। ओके, तो क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का वो 4 बेसिस पे। सबसे पहले तो है सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI, इसके बेस पर भी बैंकों को क्लासिफाई किया गया, शेड्यूल नेचर के और नॉन शेड्यूल। फिर है डोमिसाइल के बेस पर, इंडियन बैंक या फॉरन बैंक। फिर ओनरशिप के बेस पर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इस तरीके से। और फिर फंक्शन के बेस पर, कुछ DFIs है और कुछ कमर्शियल बैंक है। तो सबसे पहले आता है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन सा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। शेड्यूल बैंक जो है वो कोई भी एक ऐसा बैंक जो RBI के
सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए जो वो स्पेशल कुछ फीचर बता रखे हैं, मतलब किसी आरबीआई किसी बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कब डालता है, तो सबसे पहला तो है कि वो बैंक जो है वो इंडिया के अंदर क्या करेगा, बैंकिंग का बिजनेस करेगा। दूसरा, उसकी बेटे कैपिटल कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन अब आरबीआई की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 200 करोड़ कर दिया। फिर बैंक जो है वो क्या करेगा, काम जो है वो करेगा डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अंदर। और दूसरा सबसे मेन बात जो है वो क्या कि वो कंपनी भी हो सकता है, और या फिर जो है वो क्या, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया में इंकॉर्पोरेट हो या इंडिया के बाहर भी अगर वो इंकॉर्पोरेशन हुआ तो उसको भी बैंकिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग कैटेगरी के अंदर डाला गया। और नॉन शेड्यूल कौन बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक कोई भी एक ऐसा बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं है उसको बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल के बेस पर जो है, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर बैंकों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपके फॉरेन बैंक और एक कौन सा इंडियन बैंक। फॉरेन बैंक कौन सा होता है, कोई भी एक ऐसा बैंक जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ आउटसाइड इंडिया लेकिन उसने अपनी ब्रांच ऑफिस खोल लिया कहां पे, इंडिया में, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉरेन बैंक। और एक होता है फॉरेन बैंक के बाद में जो आता है वो है कौन सा, डोमेस्टिक, जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुआ, इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ, इंडिया में उसका ब्रांच ऑफिस है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डोमेस्टिक। फिर आएगा ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर आएगा सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जिसके अंदर मेजोरिटी पैसा लगा हुआ है किसका, गवर्नमेंट का। फिर आएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके अंदर मेजोरिटी पैसा लगा हुआ है किसका, प्राइवेट सेक्टर का। फिर आएगा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसको कुछ लोग मिलकर के आपस में जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, विच आर जॉइंटली रन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं क्या, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक फिर आपको यहां पे जो है थ्री टायर पे काम करता है, एक है प्राइमरी, एक है सेंट्रल और एक है कौन सा, स्टेट। सबसे अपेक्स वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कोऑपरेटिव बैंक में सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो आते हैं कौन से आपके, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ओके। और उसके बाद में आएंगे आपके कौन से, प्राइमरी, ठीक है, ब्लॉक लेवल के ऊपर जो काम करते हैं। फिर आएंगे जी आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले आपका कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर डील करता है। फिर है इंडस्ट्रियल बैंक जो ओनली इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सबसे अपेक्स बैंक जो है वो है सिडबी, ठीक है, और लार्ज इंडस्ट्री के लिए जो है वो है आईडीबीआई। फिर एग्रीकल्चर बैंक जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, और एग्रीकल्चर बैंक में टॉप मोस्ट जो बैंक है वो है कौन सा, नाबार्ड, अपेक्स बैंक जो है वो कौन है, नाबार्ड। फिर एक्सचेंज बैंक जो बेसिकली जो है फॉरन एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करते हैं, उसके लिए अपना जो टॉप मोस्ट बैंक है वो है एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर कुछ हमारे सेविंग बैंक है, अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सेविंग बैंक की भूमिका भी निभाते हैं। फिर है इंडिगनस बैंक जो देसी बैंक होते हैं, जैसे आपके महाजन हो गए हैं, ठीक है, गांव के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार हो गए हैं, ठीक है, इन सबको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिगनस बैंक। इसके बाद डिफेक्ट क्या इंडिगनस बैंकिंग में वो देख लीजिएगा, रिटेल बैंकिंग मैंने आपको बता दिया। फिर आता जी आपके आरआरबी, आरआरबी की अगर मैं बात करता हूँ, रीजनल रूरल बैंक, तो आरआरबी जो है इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले 26 सितंबर 1975 को आरआरबी का जो है वो ऑर्डिनेंस पास किया गया, और आरआरबी के लिए एक्ट तो बना था 1976 में, लेकिन पहले आरआरबी जो है वो ओपन किए गए थे कब, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के ऊपर जो है 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो कुछ आरआरबी को जो है वो क्या किया गया, ओपन किया गया। आरआरबी का फंडा ये होता है कि जब भी कोई आरआरबी ओपन होता है किसी भी रूरल एरिया के अंदर, तो उसके अंदर जो है 70% फंडिंग जो है वो करती है कौन, आपका स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 70% पैसा जो है वो लगाएगी कौन, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मिनट, जितना भी टोटल जब आरआरबी को हम खोलते हैं तो उसमें 50% पैसा जो है वो लगाएगी आपके कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% पैसा जिस स्टेट में आरआरबी खोला जा रहा है वो गवर्नमेंट लगाएगी, और 35% पैसा जो है जो भी स्पॉन्सर बैंक है लाइक पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये लोग पैसा लगाते हैं। इसके बाद में आते हैं जी आपके फिर एफडीआई की लिमिट, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर एफडीआई 74% तक अलाउड है, जिसमें 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से और 49 से ऊपर 74% तक जो है वो गवर्नमेंट रूट से है, और पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर एफडीआई अलाउड है कितना, 20%, वो कैसे, गवर्नमेंट रूट से। फिर आता है कुछ कोऑपरेटिव बैंक, हमने अभी पढ़ लिया कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कैसे कैसे और कितने लेवल के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद आएगा जी अब ये आपका, ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक आज की डेट में जो है वो रह गए 12, मैं बोलता हूँ एक बार आपके, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो आज की डेट में जो है वो हो गए हैं कितने, 12। अच्छा, नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो कम हो गए, आज की डेट में हो गए कितने, 11। अब पब्लिक सेक्टर में 12 कौन से हैं, 12 में 11 तो नेशनलाइज बैंक है, 12 के अंदर जो है वो 11 जो है वो तो क्या है, नेशनलाइज बैंक है, और एक जो है इसमें कौन है, एसबीआई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो 22 ही है, और फॉरेन बैंक जो है वो 46 हो गए हैं, अब जो है ये हो गया 46, और जो आपके आरआरबी हैं ये आपके कितने हैं, 45 है। इसके बाद जो लोकल एरिया बैंक हैं आपके, लोकल एरिया बैंक वो हैं जी आपके कितने, 3। अच्छा, स्मॉल फिनांस बैंक जो है वो है कितने, 10। पेमेंट बैंक जो है वो कितने, 7। और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो है कितने आपके, 33। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अब जो है वो रिसेंट के अंदर क्या चल रहा है, अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपना बैंक खोलना चाहता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई ने इशू करी है,
मिनिमम पेड कैपिटल आपके बैंक के कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए, एक तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरा जो है, जो भी पर्सन बैंक खोल ले तो वो जो प्रोमोटर्स हैं उनको 10 साल का बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस भी इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं लेकिन उनका मैक्सिमम शेयर जो है वो कितना होगा, 10% होगा। इसके बाद फिर 6 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि फॉरन वाले लोग भी इनमें पैसा लगा सकते हैं लेकिन उनका मैक्सिमम जो स्टेक रहेगा वो 74% रहेगा। इसके बाद है इसकी 8th कि जो बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट किया जाएगा और वो ऐसा हो जो रियलिस्टिक भी हो और आपका वायबल भी हो। उसके बाद 9th जो है वो ये कि बैंक जो है वो अपने शेयर्स को जो है वो लिस्ट करवाएगा कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में, 6 साल जिस दिन उसने बैंक ओपन किया उसके 6 साल के अंदर अंदर अपने शेयर्स को आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। और कम से कम 25% ब्रांचेस जो है आपके नए बैंक की वो ओपन होंगी कहां पे, रूरल एरिया में या अनबैंक्ड एरिया के अंदर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई बैंक ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही वो पर्सन जो है वो अपने इंडिया के अंदर बैंक को ऑपरेट कर सकता है। लो जी, ये हो गया चैप्टर नंबर आपका 2। इसके बाद आता है जी आपका चैप्टर नंबर 3 है आपका किसके ऊपर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करेंगे आरबीआई का तो सबसे पहली बात तो इसका शुरुआत आरबीआई के लिए जो है, देखो आरबीआई बनाया कब, आरबीआई का एक्ट है 1934, आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 को, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ लेकिन उसके लिए कमेटी बैठी थी 1926 में। तो आरबीआई के लिए सबसे पहले जो है कमेटी बिठाई गई, कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन, या इसी को बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ब्रिटिशर्स ने जो है उसको, इस कमेटी को जो है वो एस्टेब्लिश किया था, इसको बिठाया। उसके बाद में फिर हमने जो है वो आरबीआई को जो है वो क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। आरबीआई बना कब, 1935 के अंदर। आरबीआई जो है वो इंडिया का तो सेंट्रल बैंक था ही, और इंडिया के अलावा ये पेपर, ये क्वेश्चन पिछले दिसंबर 2019 के अंदर आया भी था कि अपने इंडिया के अलावा जो है वो आरबीआई ने और क्या, और किस किस, एक मिनट रुकिएगा, इंडिया के अलावा जो है वो आरबीआई ने और किस किस बैंकों की, बैंकों के अंदर जो है किस किस बैंक का आरबीआई के रिजर्व बैंक का रोल प्ले किया, तो उसके लिए है एक तो बर्मा, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बर्मा जो है 1937 से लेकर के और 1947 तक, जब तक बर्मा को, बर्मा म्यांमार जो है, तो इसके लिए जो है वो आरबीआई ने अपने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसने सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई, और 1947 में के अंदर जो है वो पाकिस्तान लोग हो गया, तो 47 से लेकर के जून 1948 तक जो है वो अपने इंडिया के, इंडिया का जो आरबीआई है इसने पाकिस्तान के भी जो है वो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद की कहानी आगे बढ़ते हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट आपको मैंने बता दिया, 1 अप्रैल 1935 को बनाया था, एक्ट है 1934, सेंट्रल ऑफिस जो है वो है कलकत्ता में, ठीक है, पहले कलकत्ता में था लेकिन 1937 में परमानेंटली मूव कर दिया, कहाँ पे, मुंबई में। इसको चलाने वाला जो आरबीआई को चलाते हैं वो है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये थोड़ा ध्यान रखना। आरबीआई के प्रीएम्बल में लिखा, जो प्रस्तावना की गई जब आरबीआई को बनाया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है सेट किया गया कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा इश्यू ऑफ द बैंक नोट एंड कीपिंग इन द रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो कंट्री के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का जिम्मा जो है वो दिया गया किसको, आरबीआई को, एंड जनरली टू ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। फिर मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करेगा, इसका बोर्ड करता है, 21 मेंबर का बोर्ड है जिसके अंदर एक तो गवर्नर रहेगा, अभी कौन है, शक्तिकांत दास है, दूसरा 4 इसके डेप्यूटी गवर्नर होंगे, फिर 2 ऑफिसर अपॉइंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 10 बंदे ऐसे होंगे जिनको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर है। आरबीआई का एक तो हेड ऑफिस है और 4 उसके लोकल ऑफिस भी है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल बोर्ड जो है वो है कहां, मुंबई में, वहां पे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अभी तक 24 लोग जो है इसको गवर्न कर चुके थे और 25 नंबर पे कौन आए, शक्तिकांत दास आए। फिर सेंट्रल बोर्ड के अलावा इसके 4 जो है वो क्या है, लोकल बोर्ड भी है, कहां कहां पे, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। अभी तक 25 लोगों ने गवर्न कर लिया, पिछले जो गवर्नर थे वो कौन थे, उर्जित पटेल, और अब जो आए हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास है, जिन्होंने 12/12/2018 को अपना ऑफिस जो है वो क्या किया, होल्ड किया है। इसके बाद आएगा जी फाइनेंशियल सुपरविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना जो BFS है, BFS बोलते हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये कितने इसके ऑफिस है वो मैंने आपको रिसेंट वाला डेटा आपको लिखवा रखा है। तो BFS जो है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन क्या करता है, आरबीआई का मेन काम क्या है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करना, और उसके लिए जो है वो आरबीआई के अंडर एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये बोर्ड जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल सुपरवाइज करने का काम करता है। अब ये क्या करता है, रेटिंग का भी काम करता है। अब रेटिंग के लिए 2 तरह की रेटिंग आती है, एक आती है आपकी कैमल्स रेटिंग डोमेस्टिक बैंकों के लिए, और एक आती है कैलकस रेटिंग फॉर आपके फॉरेन बैंकों के लिए। तो कैमल्स एब्रीवेशन याद करना पड़ेगा, CAMELS, सी से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी, एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। ये जो रेटिंग है वो 6 कंपोनेंट के बेस पर की जाती है और इसके जो स्केल रहेगा वो 1 से 100 तक रहता है। फिर है कैलकस रेटिंग, CAC
CALCS, C से कैपिटल एडिक्वेसी, A से एसेट क्वालिटी, L से लिक्विडिटी, C से कंप्लायंस और S से सिस्टम एंड कंट्रोल। इसके बाद में है जी आपका रिजर्व बैंक के फंक्शन, बिल्कुल बेसिक बेसिक बच्चों वाले फंक्शन जो है वो दे रखे हैं, कुछ ट्रेडिशनल और कुछ डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर जो है वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है, जनरल है और प्रोहिबिटरी है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में तो नोट इशू करना, ठीक है, क्रेडिट को रेगुलेट करना, अच्छा बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, रेगुलेट करता है एक्सचेंज रेट को, अदर फंक्शन के अंदर ये सब दे रखा है। उसके बाद में जो है मेन आते हैं प्रोहिबिटरी फंक्शन की, क्या क्या काम नहीं कर सकता। सबसे पहले नीदर टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा नीदर टू परचेज अ शेयर, कंपनी के नॉर्मली कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर सकता। नीदर टू परचेज अ इमोबल वेल्थ, कोई भी अपने नाम से जो प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता। नो टू डील इन द टाइम बिल, टाइम बिल्स के अंदर जो है वो डीलिंग नहीं करेगा। नो टू गिव इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट सेविंग, अगर कोई प्राइवेट सेविंग आते हैं उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं देगा। एंड नो टू एडवांस लोन विद सिक्योरिटी, कोई भी लोन की एडवांसिंग जो है वो ये नहीं करेगा बैंकों को छोड़ करके। इसके बाद में कुछ डेवलपमेंट फंक्शन के नाम पे प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस हो गया, प्रमोशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके बाद में आएंगे जी आपके फंक्शंस के बाद में आप आगे आएंगे हमारे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक। इससे पहले ना वो आपको अचीवमेंट दे रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। वो बेसिक बेसिक सी है कि क्या क्या इसके अचीवमेंट है। हम तो आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, पेज नंबर 45 पे आप आएंगे, वहां पे है जी आपका मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी बीच वाले पॉइंट सिंपल से है। तो अपने इंडिया के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो है वो बाई मंथली पॉलिसी जो है वो क्या करता है, इशू करता है। बाई मंथली पॉलिसी का मतलब जो है होता है वो क्या, हर दो दो महीने के अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है। अब आरबीआई के द्वारा जो हर दो दो महीने में मॉनेटरी पॉलिसी इशू की जाती है उसको बाई मंथली पॉलिसी बोलते हैं। पहले बाई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जिम्मा ओनली आरबीआई के पास होता है, लेकिन बाद में अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है एमपीसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ये कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई अंडर द सेक्शन, ये याद करना पड़ेगा, एमपीसी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये किस एक्ट में बनाई गई है, सेक्शन 45ZB ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 में। तो ये कमेटी जो है वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करती है, बनाने का काम करती है, ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, ये जो एमपीसी है ये बनी थी 2016 के अंदर, पहली बार इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया। और ये कमेटी जो है यही पूरे इंडिया के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, हर दो दो महीने में आती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो है आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ है आपके कौन कौन से क्वालिटेटिव और कुछ है कौन से क्वांटिटेटिव। ये यहां से पेपर में कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जर्नल या क्वांटिटेटिव कौन सा, जर्नल या क्वांटिटेटिव के अंदर आएंगे आपके सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट अगर मान लो किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा आरबीआई के पास में, ठीक है। और आरबीआई जिस रेट पे उसको लोन देगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट, इसको डिस्काउंटेड भी बोलते हैं। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट में आकर के गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल परचेस का काम भी करता है। फिर है सीआरआर, हर कमर्शियल बैंक को अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन आरबीआई के पास में कैश के तौर पर जमा करना पड़ता है। अब वो कितना करना पड़ता है वो बताएगा आपको सीआरआर, ठीक है। एक होता है एसएलआर, हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी, या फिर अप्रूव्ड मार्केट सिक्योरिटी भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएलआर। और एक होता है आपका रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो और रिवर्स रेपो की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट हो गया रीपर्चेस रेट, जिसके अंदर बेसिकली कमर्शियल बैंक जो है वो फंडिंग करता है किसको, जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा लोन के तौर पर उधार देता है, तो उसको वो किस रेट पर देता है, रेपो। और रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो उस एक्स्ट्रा पैसा कई बार आरबीआई के पास में पार्क कर देगा, मतलब वो कुछ वो पैसा जो है वो आरबीआई को दे देगा और आरबीआई उसके बदले में जो उसको ब्याज देगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो। इसके अलावा जो है आपकी ये कुछ रेट दे रखे हैं, रेट पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि हर दो दो महीने में पॉलिसी चेंज होती है और रेट चेंज होते हैं, तो यहां से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि बनेगा, बाकी आप देख लीजिएगा लेटेस्ट। उसके बाद है सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव, दूसरे जो इसके क्रेडिट कंट्रोल करने के मेजर है वो है सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव। इसके अंदर सबसे पहला था सीलिंग, आरबीआई जो है वो क्या करता है, सीलिंग भी लगा सकता है, बोलते कंडीशन भी लगा सकता है कि लेंडिंग कैपेसिटी के ऊपर। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट कि जब लोन देना है तो उसके बदले में कितनी सिक्योरिटी आपके पास आपको मेंटेन करनी है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगा। फिर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, आरबीआई जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट जो है
वो भी शुरू करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आरबीआई जो है वो ये बोलता है कि किस सेक्टर में ज्यादा लोन देना है, किस में कम देना है। आरबीआई टाइम टू टाइम डायरेक्टिव भी इशू करते हैं, जो आरबीआई की बात नहीं मानता आरबीआई उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी देता है, और आरबीआई मोरली भी प्रभाव डालते हैं कि आपको कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो माननी चाहिए। बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी इशू की जाती है वो कमर्शियल बैंक के लिए की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कमर्शियल बैंकों की मदद से ही आरबीआई जो है वो कंट्री के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आएगा जी बैंकिंग ओम्बड्समैन। हाँ जी, बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन के मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जहां पे अगर मान लो कोई बैंक का कोई भी कस्टमर है, ठीक है, और उसकी कोई शिकायत है किसी कंसर्न बैंक के बैंक से, तो वो कस्टमर क्या करेगा, सबसे पहले तो बैंक के मैनेजर को जाके बोलेगा कि जी ये आपके बैंक के कर्मचारी ये सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक के उस कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको बैंक वाले जो है वो नहीं सुधार करते हैं, उसका जो उसकी प्रॉब्लम है उसका रिड्रेसल नहीं करते हैं, तो जो कस्टमर है वो फिर जाएगा कहां पे, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास में। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन बेसिकली कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए, कस्टमर की कंप्लेंट्स का सुलझारा करने के लिए जो है वो आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो स्कीम चलाई। ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ये बेसिकली किसके लिए, रिजोल्व करने के लिए कस्टमर की कंप्लेंट को। अच्छा जी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो, ये थोड़ा ध्यान रखना, बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होगा, ये सीनियर ऑफिशियल पर्सन होगा जिसको अपॉइंट कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है, अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 और इसका अमेंडमेंट हुआ 2017 के अंदर। इसके बाद आएगा जी हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड, अभी तक कितने अपॉइंट हो चुके हैं, तो आज की डेट तक 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो अपने अपॉइंट हो चुके हैं। किन-किन बैंकों को बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया, तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन सबको, रूरल रीजनल रूरल बैंक है उन सबको, शेड्यूल प्राइवेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है उन सबको, इन सबको जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया। कौन-कौन से ग्राउंड है, मतलब किन-किन शिकायतों के लिए जो है वो आप जा सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो ये सब शिकायतें बता रखी है। जैसे मान लो, अगर मान लो पेमेंट आई थी, पेमेंट आपको दी नहीं टाइम पे, ठीक है, कोई आपका, आपने पैसा ट्रांसफर करवाया था किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, वो टाइम पे नहीं किया, आपका खाता नहीं खोला, ठीक है, आपके पास बेफालतू के चार्जेस लगा दिए, तो इन सब के लिए ये सब ग्राउंड्स हैं, इनके खिलाफ जो है वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा जी आपका व्हेन कैन फाइल ए कंप्लेंट, आपको पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, बैंक वालों को बोलो, ठीक है, अगर बैंक से रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है, और एक महीना हो गया, तो एक महीने के अंदर अंदर आप जो है तो आप उनको कंप्लेंट करेंगे, ठीक है जी। अब व्हेन विल वन कंप्लेंट नीड बी नोट बी कंसिडर बाय द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन किस किस केसेस के अंदर जो है वो कंप्लेंट जो है वो नहीं सुनेगा, तो ये कुछ केसेस दे रखे हैं, ठीक है, जब आपने जो कंप्लेंट किया वो फ्रिवलस नेचर का, तुच्छ नेचर की जो है कंप्लेंट कर दी, जो एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस बैंक को जो कंसर्न बैंक के मान लो उसके नाम को डुबाने के लिए आपने कंप्लेंट कर दिया, तो इन केसेस के अंदर वो नहीं सुनेगा। इसके बाद है प्रोसीजर, ये तो नॉर्मल सा है, वो क्या क्या फॉलो करेगा, तो आपको प्लेन पेपर पर लिख के देना पड़ेगा अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट है वो। वेयर कैन वन लॉज इस कंप्लेंट, कहां पे आप जो है वो अपने कंप्लेंट को जो है वो लॉज करेंगे, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसेज हैं वहां पे कर दें, नहीं तो आप जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कैन ए कंप्लेंट भी फाइल होता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की मदद से हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या कोई कॉस्ट होती है? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है। इज देयर एनी लिमिट फॉर द कंपनसेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा, कंपनसेशन की लिमिट है, तो आप बोलेंगे यस कंपनसेशन की लिमिट है, और वो कितनी है, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इज द कंपनसेशन लिमिट। अच्छा, और अगर मेंटल एगोनी हो गया, मेंटल हरासमेंट हुआ, तो उसके लिए अलग से 1 लाख रुपए की जो है वो कंपनसेशन और मिलेगा, तो ये तो हो गया कंपनसेशन का, बस इसके अंदर आपको यही जो है वो याद करके जाना है। एक थोड़ा सा ये देख लेना एक बार कि अगर मान लो कभी ऐसा हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए बैंकिंग ओम्बड्समैन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो आगे भी जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल को जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको चैप्टर नंबर आपका 3, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना ही करना बैंकिंग ओम्बड्समैन वाला, ज्यादा और करने का जरूरत नहीं है, खाली टाइम मिले तो पढ़ लेने तो रहने देना। अब आएगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। एक सेकंड रुकिएगा राहुल, इसका चार्जर दो एक बार लगाओ इसमें, चलो हम शुरू करते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की अगर बात करते हैं तो अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो वो रिफॉर्म जो है वो कितनी बार हुए, तो अगर हम टोटल मिला के बात करें तो अपने इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुए वो हुए 2 बार, एक बार जो हुए वो तो हुए 1991 में और एक बार हुआ 1998 में, तो 2 फेज में जो है वो अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या हुए, रिफॉर्म हुए, एक बार 1991 में, एक बार 1998 में। दोनों जो रिफॉर्म हुए वो हुए आपके नरसिम्हम कमेटी जो है उसके द्वारा जो है ये दोनों रिफॉर्म जो है वो स्टार्ट किए गए थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नरसिम्हम कमेटी ग्रुप के द्वारा जो है ये रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए। एक मिनट,
अच्छा जी, अब अगर बात करते हैं रिफॉर्म का, तो पहला फेज जो था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का, वो स्टार्ट कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1991 में, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया, सबसे पहले बोला गया SLR CRR को क्या करो, रिड्यूस करो। फिर प्रूडेंशियल, मतलब जितना SLR CRR का रेट जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उतना बेनिफिट क्या होगा, तो उतना बैंकों के पास आइडियल फंड होगा और बैंक जो है उसको क्या कर सकता है कि लोन के तौर पर दे सकता है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म NPA के लिए जो है नॉर्म्स लेके आओ। फिर कैपिटल एडिक्वेसी के लिए बोला गया कि आपको जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके लिए बोला गया हर बैंक कम से कम 8% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया। पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो RBI जो है वो रेगुलेट करता था, RBI फिक्स करता था, लेकिन बाद में इसको क्या डीरेगुलेट कर दिया गया। फिर डेट को रिकवर करने के लिए जो है वो DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो बनाई गई। फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंकों को जो है वो क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस जो है वो 3 राउंड के अंदर हुआ, पहले फर्स्ट राउंड 1993 में, दूसरा राउंड जो है 2001 में, और तीसरा 2013 के अंदर स्टार्ट किया गया। ये आपको मैंने दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। डायरेक्ट क्रेडिट के लिए जो है ये बोला गया, मतलब जो आपका PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, तो उसके लिए बोला गया कि आप जो है इसको क्या करो, कम करो, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजोरिटी जो वोट बैंक था वो कहां था, गांव के अंदर ही था। इसके बाद है जी आपका कैपिटल मार्केट के लिए बैंकों को बोला गया कि आप जो है वो कैपिटल मार्केट में जाके जो है वो आप अपने शेयर्स भी इशू कर सकते हो, वहां से आप कैपिटल रेज कर सकते हो, ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन दे दिया कि कोई भी बैंक जो है वो अपने हिसाब से अपनी जो है वो ब्रांचेज अगर ओपन करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए आपको अलग से जो है वो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और बस आपको एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर स्मॉल लोकल एरिया बैंकों को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया और सुपरविजन किया गया किसका, कमर्शियल बैंक का, ठीक है। उसके लिए BFS बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन करके जो है वो बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हुआ 1998 के अंदर। इसके अंदर जो मेन याद करने वाला पॉइंट है वो है जी आपका क्या, सेकंड फेज में वो है आपका BPLR वाला। एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, BPLR बोलते हो बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट, ठीक है, ये है आपका। एक तो FDI लिमिट तो आपको मैंने पहले बता दिया, और ये BPLR का जो रेट है ना वो क्या है, बेसिकली हर कोई भी बैंक जो है वो इस रेट से नीचे जो है वो कभी भी लोन या फंडिंग नहीं करेगा, ठीक है। वो BPLR का एक रेट आपको जो है वो बता रखा है, ठीक है ना। तो BPLR जो है वो 2003 के अंदर स्टार्ट किया, और ये एक मिनिमम रेट था जो कोई भी बैंक अगर मान लो किसी कस्टमर को लोन देता है तो इससे नीचे कभी भी लोन नहीं देगा, ठीक है, ये रेट तो वो चार्ज करेगा। फिर BPLR सिस्टम को 2010 में बंद किया गया, उसकी जगह पे आया बेस रेट सिस्टम, और बेस रेट सिस्टम को 2016 में बंद किया गया, और उसके बाद में आ गया MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 2016 में इसको शुरू किया गया, और इसके चार कंपोनेंट है, एक आपका क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, एक आपका नेगेटिव कैरी ऑन द CRR, ठीक है, एक आपका टेनोर प्रीमियम, और एक आपका क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये चारों इसके मेन कंपोनेंट है किसके, MCLR के। इसके बाद आता है जी आपके बेसल नॉर्म। बेसल नॉर्म के लिए तो सबसे पहली बात है बेसल नॉर्म कौन जारी करता है, ठीक है। तो बेसल नॉर्म जो है वो इशू करती है आपकी कमेटी जिसका नाम है BCBS। किसके अंडर बनी है, ये बनी है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर। BIS जो है वो बना था 17 मई 1930 को, उसके अंडर एक कमेटी बनी 1974 में जिसको बोलते हैं BCBS, बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन। ये कमेटी बेसिकली इशू करती है किनको, बेसल नॉर्म्स को। तो बेसल नॉर्म जो है वो अभी तक तीन आपके बेसिकली आ गए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेसल नॉर्म का, तो पहला बेसल नॉर्म आया 1988 में, ठीक है। इंडिया ने इंप्लीमेंटेशन शुरू किया 1992 में, और ये जो है इंडिया ने 1999 तक फुल इंप्लीमेंट कर लिया था। रिकमेंडेशंस की जो आई थी वो क्या, 8% CRR मेंटेन करने की। बेसल नंबर टू की अगर बात करता हूं तो ये इंट्रोड्यूस हुआ 2004 में, इंडिया ने शुरुआत किया 2009 में, और 31 जून 2015 तक ये फुली इंप्लीमेंट हो गए थे। इसके अंदर जो रिकमेंडेशन था वो था तीन पिलर के अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पिलर 1, 2, 3। पिलर वन था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पिलर टू था सुपरविजन रिव्यू, और पिलर नंबर थ्री जो था वो था मार्केट डिसिप्लिन। फिर बेसल नंबर थ्री गाइडलाइंस है वो आई 2010 में, उनका अमेंडेड वर्जन 2011 में आया। इंडिया ने शुरू किया 1 जून 2015 से, और इंडिया ने उसको फुली इंप्लीमेंट किया 31 जून 2019 तक। इसमें जो बातें बोली गई, जो रिकमेंडेशन थी वो तीन पिलर में थी। तीन पिलर कौन कौन से, अब जो पहले वाले तीन पिलर थे उन्हीं में बस एक वर्ड जोड़ दिया कि एनहांस करके। पहले था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब हो गया एनहांस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। पहले था सुपरवाइजरी रिव्यू, अब हो गया एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू, और पहले था मार्केट डिसिप्लिन, और अब हो गया कि एनहांस मार्केट डिसिप्लिन। इसके बाद अपने इंडिया के अंदर जो है बेसल 3 के गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए इंडिया के अंदर इंद्रधनुष प्लान जो है उसको लाया गया है, जिसको बोलते हैं A to G प्लान, जिसमें बेसिकली 7 कंपोनेंट है, ठीक है। अल्फाबेट ए से लेकर जी तक के उसका नाम दिया हुआ है। ए बोले तो अपॉइंटमेंट, बी बोले तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी बोले तो कैपिटलाइजेशन, डी बोले तो डिस्ट्रेसिंग, ई बोले तो एम्पावरमेंट, एफ बोले तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और जी बोले तो गवर्नेंस। इसके बाद ये रट्टा मार के जाना पड़ेगा टायर वन कैपिटल में क्या क्या था, टायर टू कैपिटल में क्या क्या था। तो टायर वन देखो, हर बैंक अपने यहां पे क्या करेगा, मिनिमम कैपिटल को मेंटेन करेगा। अब वो मिनिमम कैपिटल कैसी कैसी होगी, तो वो टायर वन नेचर की भी होगी, टायर टू। तो टायर वन में आता है बेसिकली पेड कैपिटल, सेचुरी रिजर्व, और ये सब आपका, और टायर टू के अंदर ये आपके कुछ लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके बाद ये आप क्या क्या मेंटेन करना है। फिर अब आता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? बैंक जो पैसा लोगों को उधार के तौर पे देता है, ठीक है, जो फंडिंग करता है बैंक बेसिकली लोगों को, तो अगर वो लोग जो है वो बैंकों को पैसा वापस ना दे, मतलब अगर बैंक ने कोई अपना एडवांसिंग किया और वो एडवांसिंग अगर बैंक के पास में वापस ना आए, तो जनरली बैंक ऐसे एडवांस को बोलता है क्या? एनपीए। अब एनपीए कैसे बनते हैं? बैंक ने फंडिंग किया, अगर मान लो 90 दिन तक वो पैसा ओवरड्यू हो गया, तो 90 दिन के जस्ट बाद जो है वो क्या बन जाएगा? एनपीए। अब एनपीए की कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी है सबस्टैंडर्ड। जैसे ही मान लो कोई भी लोन जो है वो एनपीए बनता है, तो वो सबसे पहले किस कैटेगरी में जाएगा? सबस्टैंडर्ड में। अगर वो 12 महीने तक सबस्टैंडर्ड में रहता है और 12 महीने तक भी कोई पैसा नहीं मिलता, तो 12 महीने के जस्ट अगले दिन वो चला जाएगा किसमें? डाउटफुल में। अगर अगले 12 महीने तक भी डाउटफुल में रहेगा, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा? लॉस एसेट बन जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉस एसेट उससे पहले भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनता है? अगर मान लो आपके बैंक का मैनेजर, आरबीआई का ऑफिसर, या आपके बैंक का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर अगर ये बोल दे कि पैसे की रिकवरी नहीं होगी, तो आप उसको पहले भी लॉस एसेट बना के और उसको राइट ऑफ कर सकते हो। अब एनपीए को मैनेज करने के लिए जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो 2018 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया फॉर स्ट्रेस्ड एसेट के लिए। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनसे पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए सिस्टम लाया गया। और आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस इशू करी है जिसके अंदर ये बोला गया कि 90 दिनों के बाद तो एनपीए बनती है, लेकिन अगर मान लो आपने किसी पर्सन को लोन दिया और वो उसने ड्यू डेट आ गई, अगर ड्यू डेट से 30 दिनों तक भी पैसा नहीं आता, तो हम एक उस अकाउंट को एक नई कैटेगरी में डाल देंगे जिसको बोलते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसकी तीन कैटेगरी बनाई गई है, तो एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 0 के अंदर आएगा अगर 1 से 30 दिन तक पैसा नहीं आएगा, एसएमए 0। 31 से 60 दिन तक पैसा नहीं आएगा, एसएमए 1। और 61 से 90 दिन तक पैसा नहीं आएगा, तो एसएमए 2। और अगर 90 दिन भी पूरा हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आरबीआई ने जो है वो क्या करी है 2019 के अंदर, इसको बेसिकली 2018 में लेके आया, जिसको बाद में अल्ट्रावायर, सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रावायर बोल दिया कि आरबीआई के उसके अंदर नहीं आता स्कोप में। बाद में आरबीआई बोला हम तो इसको लेके आएंगे, और आरबीआई ने इसको जो है वो फाइनल कर दिया। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीए को मैनेज करने के लिए जो है वो क्या किया है। तो एनपीएच को मैनेज करने के लिए बेसिकली ये स्कीम आई है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर डेटेड, ठीक है, रिवाइज फ्रेमवर्क जो है वो लाया है जिसको बोलते हैं S4A, बोल दो स्कीम फॉर सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट। तो SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट करके वो स्कीम आई है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, बैंकों का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो क्या बोलता है, ये आ गया रिस्क मैनेजमेंट, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रिस्क का, तो बैंक के अंदर जो रिस्क है वो आपके दो तरीके का, एक है आपका फाइनेंशियल नेचर का, एक है कौन सा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में जहां पे पैसे का नुकसान होगा वो है दो तरीके का, एक है आपका क्रेडिट रिस्क और एक है कौन सा मार्केट रिस्क। और नॉन फाइनेंशियल के अंदर क्या गया, ऑपरेशन, जब आप काम करें काम के दौरान जो रिस्क अराइज होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर बैंक में आग लग गया व्हाटएवर कुछ भी, तो इसको बोलता है नॉन फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल के अंदर आएगा दो, एक है क्रेडिट और एक है कौन सा मार्केट। क्रेडिट रिस्क के अंदर क्या, आपने किसी पर्सन को पैसा दिया उधार के तौर पर और वो पर्सन पैसा खा के भाग जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट रिस्क, जिसको बोलते हैं काउंटर पार्ट और बोरोवर रिस्क। और एक होता है कौन सा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर आएगा जैसे इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई रिस्क हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी रेट की वजह से कोई रिस्क हो गया, करेंसी फोरेक्स की वजह से रिस्क हो गया, या हेजिंग रिस्क हो गया, तो इन सबको बोलते हैं आप लोग क्या, क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल रिस्क। तो ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक। इसके बाद आएगा जी आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है जी आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। अगर बात करूं फाइनेंशियल मार्केट, तो उसके दो सेगमेंट है, एक है आपका मनी मार्केट और एक है कौन सा आपका कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले आ रहा है आपका मनी मार्केट। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे, वहीं से आप देख लेना। अब आते हैं इसके मेन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसका मनी मार्केट का जो कंपोनेंट है वो है आपका कॉल मनी। कॉल मनी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लो एक दिन के लिए कोई पैसा लेंड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग कॉल मनी। एक से लेकर 15 दिन, एक से ज्यादा और 15 दिन तक के लिए अगर पैसा उधार दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नोटिस मनी। और 15 दिन या उससे ऊपर के लिए अगर कोई पैसा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टर्म मनी, ठीक है। कॉल मनी मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो बैंकों को आपस में कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो एक बैंक दूसरे बैंक के पास में जाएगा और वो जो पैसा लेगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। और कॉल मनी का जो रेट है वो हाईली वोलेटाइल होता है और वो सेकंडों में या मिनटों के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके बाद है जी आपका टी बिल। टी बिल भी जो है फाइनेंशियल मार्केट का, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। टी बिल जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। आरबीआई फिर गवर्नमेंट के कहने पर जो है वो क्या करेगा, टी बिल्स को इशू करता है। हाईली लिक्विड होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि इसके बदले में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैकअप के तौर पर पड़ी होती है। इसके बाद टी बिल जो है
इसके कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन के बदले में नहीं होता, और इसका जो मिनिमम जो आपका लोट है वो 25,000 रुपए का होता है, 25,000 उसके मल्टीपल के अंदर जो है वो टीबिल्स आपके काम करते हैं। अब टाइप की अगर बात करें तो टाइप ऑफ टीबिल जो है वो आपके दो तरीके के, एक है ऑर्डिनरी और एक है कौन सा एडोक। नॉर्मल रूटीन बिजनेस के अंदर जो आरबीआई टीबिल इशू करता है उसको बोलते हैं एडोक, सॉरी ऑर्डिनरी, और जो टेम्परेरी बेसिस पे जो टीबिल इशू किए जाते हैं उनको बोलते हैं आप लोग क्या एडोक। अभी जो रिसेंट में चलते हैं आपके टीबिल जो है वो तीन तरह के चल रहे हैं, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। एक है आपका 91 डेज का, एक है 182 डेज का, और एक है आपका 364 डेज का, ठीक है। इससे बीच वाले जो भी थे 14 डेज वाला और ये सब क्या हो गए बंद हो गए हैं। इसके बाद में टीबिल के बाद में आता है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है वो आपके अनसिक्योर्ड होते हैं, जो हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली कंपनीज है वो बेसिकली कमर्शियल पेपर को क्या करती हैं, इशू करती हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर नेचर का है और ये 5,00,000 के मल्टीपल में जो है वो जारी किया जाता है। तो इसकी जो गाइडलाइंस है आरबीआई की कमर्शियल पेपर इशू करने की, वो देख लेना कि कमर्शियल पेपर जो कंपनी इशू करेगी उसकी कम से कम टेंजिबल जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा वर्किंग कैपिटल इसकी 4 करोड़ है, और ये जो कंपनी इशू करेगी तो वो कितना मैक्सिमम जो उसकी वर्किंग कैपिटल उसका 75% तक इशू कर सकती है, किसके 5,00,000 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है। और दूसरा मिनिमम जो है वो एक इन्वेस्टर को 25,00,000 का ये दिया जाएगा। जो रेटिंग एजेंसी है वो उनसे पहले आपको रेटिंग करवानी पड़ेगी, तो ये रेटिंग मिलनी चाहिए क्राइसल से P2 और आइक्रा से A2 रेटिंग कम से कम मिलनी चाहिए। अच्छा, कमर्शियल पेपर जब आप क्या करेंगे इशू करेंगे तो आपसे आपको पहले आरबीआई से अप्रूवल लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कमर्शियल पेपर के बाद में आते हैं जी आपके कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट बेसिकली क्या है अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल बिल मार्केट वो है जहां पे आप आपके जो बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको आप क्या करवाते हो, डिस्काउंट करवाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं आप कमर्शियल बिल मार्केट। इसके बाद आएगा जी आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट करेक्टरिस्टिक के नाम पे सबसे पहले डिकोटमी, इंडियन मनी मार्केट जो है उसमें डिकोटमी है, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आरबीआई रेगुलेट करता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसके ऊपर किसी की भी रेगुलेशन नहीं चलती है। फिर सीजनल वेरिएशन, सीजन का भी इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। फिर इंटरगोल मनी मार्केट, ये भी इसका एक सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जनरली डीलिंग किया जाता है, ठीक है, मतलब डोमिनेंट पार्ट जो है वो रोल प्ले करती है आपकी गवर्नमेंट। अच्छा, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस और डिस्काउंट राशि ऑफिस भी अपने इंडिया के अंदर नहीं है, मतलब ऐसे बैंक नहीं है जहां पे आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा सको, उनकी बहुत ही कमी है। और इंडिया की जो कैपिटल मार्केट मनी मार्केट है वो फॉरेन की मनी मार्केट से अलग चलती है, मतलब आइसोलेशन में फॉरेन से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है वो क्या है, यहाँ पे वैरायटी है, कई सारे लोग जो है इसके अंदर क्या करते हैं, डील करते हैं। कुछ इसके डिफेक्ट देखे हैं बेसिक सा, ये तो आप देख लीजिएगा। फिर आएगा जी आपके कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या, कैपिटल मार्केट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कहां पे जाएंगे, कैपिटल मार्केट में जाएंगे। कैपिटल मार्केट जो है वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग टेक्निक के तौर पर जो है काम करती है, किसमें, इंडिया के अंदर। उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, कैपिटल मार्केट क्या क्या काम करती है, मोबिलाइज करती है पैसे को, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम वो वहीं पर हमने पढ़ लिया था वैसे चैप्टर नंबर 1 में। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, इंड्यूस करती है कैपिटल फॉर्मेशन, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये फंक्शन है बेसिक वाले, रिलेशनशिप और इसका जो डिफरेंस है हमने पढ़ लिया था। अब आप आएंगे सबसे पहले ये कैपिटल मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आएंगे आपके दो, एक आएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में डील होते हैं और कौन कौन से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आएंगे आपके लेंडर सेक्टर भी है, बोरोवर सेक्टर भी है। लेंडर सेक्टर में पैसा देने वाले वो कौन कौन से, एक है ऑर्गेनाइज और एक है कौन से, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के अंदर जो है वो आएंगे आपके स्टॉक मार्केट और एक कौन से, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फिर बोरोवर सेक्टर के अंदर पैसा उधार कौन कौन लेता है, तो एक तो होते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर और एक है कौन सा, कॉर्पोरेट सेक्टर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं, डील किए जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप आएंगे हमारे पेज नंबर 84 पे जहां पे आपको मिलेगा रीसेंट डेवलपमेंट कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़े थोड़े से, जैसे इक्विटी क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अब आएंगे आप रीसेंट डेवलपमेंट पे कि अपने कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो क्या क्या फाइनेंशियल मार्केट में, इसमें कैपिटल मार्केट में क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहला तो सेबी को जो है वो क्या किया गया, लाया गया। दूसरा, बहुत सारी क्रेडिटिंग एजेंसी जो है वो भी आ गई हैं जो क्या करती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज, जिन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, तो उनकी क्या करती है, क्रेडिटिंग करती हैं। फिर एनएससी को जो है वो लेके आया गया 1992 के अंदर, एनएससी जो है इसका एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड जो है उनको भी बोला गया कि आप भी जो है कैपिटल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोगों से पैसा चैनलाइज करते हैं और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर डीमेटलाइजेशन हो गया सिक्योरिटीज का, इसके लिए डीमेट अकाउंट जो है वो आया,
ठीक है, जिसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 जो है वो पास किया गया था, जिसमें जो फिजिकल फॉर्मेट था उसको खत्म करके और क्या कर दिया, अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चलता है। फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो वो स्टार्ट किया गया, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो वो ओपन किया गया था। रोलिंग सेटलमेंट पहले T+2 T+5 चलता था और अब क्या हुआ T+2 हो गया। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनको क्लियरिंग करवाने के लिए जो CCIL को जो स्टार्ट किया गया। फिर कुछ ये नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो इसको भी क्या किया गया, लेके आया गया, जो बेसिकली क्या करती है गारंटी देती है, जो अगर NSE के अंदर आप कोई भी ट्रेड करते हो उन सभी ट्रांजेक्शन की गारंटी जो है वो ये प्रोवाइड करती है। फिर ग्लोबल फंड को भी आप एक्सेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ADR GDR। इंटर ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया गया, आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कर सकते हो और कंपनी को अलाउ किया गया कि वो अपनी सिक्योरिटी को बायबैक भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को भी आप सेल परचेस कर सकते हो मनी मार्केट में जाकर के, और पेन को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बाद अपने जो कैपिटल मार्केट उसके ऊपर कौन कौन से रेगुलेटर काम करते हैं, सबसे पहले कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, ये है बेसिकली आपका सेबी। तो सेबी जो था सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी से पहले, सेबी तो बना 1988 में, उसके बाद सेबी का एक्ट पास हुआ 1992 में, लेकिन उससे पहले जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट चलता था जो पूरे कैपिटल मार्केट को जो है वो क्या करता था, कंट्रोल करता था, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट बेसिकली आया है किसके लिए, अपने इंडिया में जो सिक्योरिटी ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए ये सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट के उसके ऊपर प्रोविजन चलते हैं, ठीक है। फिर डिपॉजिटरी एक्ट है, ठीक है, डीमैट जो है उसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट है। अपने इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरीज हैं नेशनल लेवल पे, एक है आपका NSDL, एक है आपका CDSL, जो डिपॉजिटरी की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जिनके पास सारा सिक्योरिटीज का ब्योरा जो है वो होता है। फिर कंपनी एक्ट, ये भी सिक्योरिटी मार्केट अपने कैपिटल मार्केट के ऊपर जो अप्लाई होता है। और फिर है PMLA बोलते हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। PMLA का जो मेन काम है बेसिकली वो क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट जो करते हैं लोग, तो उनको रोकने के लिए PMLA जो है वो क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद है प्राइमरी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी को क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब फर्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटी को इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में तो वो कैसे कैसे करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले है इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, IPO अगर निकालते हैं तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है और उसके थ्रू जो है वो सिक्योरिटी को क्या करती है, इशू करती है। फिर आएगा जी प्रोस्पेक्टस के बाद में आपका ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर बेसिकली कंपनी जो है वो क्या करती है, पहले अपने सारे सिक्योरिटी को बेच देती है एक बार इशू हाउस को और उससे पैसा ले लेंगे और वो इशू हाउस जो है वो आराम आराम से सिक्योरिटी को आगे बेचता रहेगा। सेम आपका प्लेसमेंट है, इसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, एक इंटरमीडियट को बुलाती है ब्रोकर को और उनके थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट करवा देती है। फिर टेंडर ऑफर है, इसके अंदर कंपनी जो है वो अपने इशू प्राइस को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती। कंपनी जो है बेसिकली क्या करेगी, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, मतलब सीलिंग और फ्लोर प्राइस है वो बता देगी, उसके अंदर जो है वो बोलेगी एप्लीकेशन लगाओ और जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएगी उसको जो है वो ओवर प्राइस मान लेती है। फिर है ओवर द काउंटर प्लेसमेंट, बड़े बड़े जो है वो है NSE और BSE, अगर आप वहाँ पे अपने आप को जो है वो नहीं करवा सकते हो, आप लिस्ट नहीं करवा सकते हो अपने सिक्योरिटीज को, तो आप यहाँ पे जाके ओवर द काउंटर प्लेसमेंट भी करवा सकते हो। फिर राइट इशू के थ्रू जो है वो भी कंपनी से वो क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रीएम्प्टिव राइट देते हैं कि अगर बाहर वालों को देंगे तो आपकी इक्विटी में डाइल्यूशन होगा, तो आप ही शेयर को क्या करो परचेज भी जो है वो इनको इशू कर सकती है। फिर है जी आपका प्राइमरी मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है, ये तो बेसिक सा था। अब आता है जी आपका ये बुल एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो बेसिकली हमेशा ये सोचता है कि रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसको हम ना तेजड़िया भी बोलते हैं, जो हमेशा ये उम्मीद करता है कि रेट बढ़ेंगे। बियर कौन होता है, बियर वो जो हमेशा ये सोचता है कि रेट क्या होंगे, कम होंगे। स्टैग कौन होता है, स्टैग एक ऐसा पर्सन रहेगा जब भी कोई कंपनी नई IPO लेके आएगी तो ये जो है वो क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही कंपनी का रेट बढ़ेगा अलॉटमेंट से पहले ये जो अपने शेयर्स हैं इनको बेच के चला जाता है। एक होता है लेम डक, ये वो बियर जिसने सिक्योरिटी को परचेस किया ये सोच के कि कल को रेट क्या होंगे, कम होंगे, और अगर रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर उसकी जो पोजीशन है वो लेम डक जैसी रहती है। इसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली क्या, इसको हम बोलते हैं GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी अपनी एक मार्केट है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम पे सबसे पहले तो T-bill है, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा कर ली है। एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल। अब T-bill जो है मैंने आपको बताया 91 डेज का, 182 का, 364 का है। 91 डेज से कम की मैच्योरिटी के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कैश मैनेजमेंट बिल को भी क्या करती है, इशूड करती है। और कुछ गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज भी हैं, तो ये कुछ डेटेड सिक्योरिटी है। इसके बाद में T-bill की अगर मैं बात करूं तो ये T-bill का आपको मैंने याद करवाया था और इसमें आज जो चल रहे हैं वो तीन चल रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीन जो है वो कौन सा, एक तो ये 364 T-bill fortnightly ऑक्शन वाला, एक है 91 डेज T-bill वीकली ऑक्शन वाला, और एक है 182 डेज T-bill fortnightly। ये ना मैंने सही करवाया था, ये fortnightly ऑक्शन वाला। तो ये जो है वो तीन ही T-bill जो है अभी वर्किंग में, बाकी सारे जो है वो क्या हो गए, बंद हो गए हैं।
ओके हाँ जी। और इसके बाद जो लास्ट है पॉइंट अपना, वो आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या, तो आपको बता दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई भी एक ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है, डेट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फंडिंग करवाने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके हाँ जी, ये पांच चैप्टर लो जी हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी ये पांच हम करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तो इतने ये निपटाओ, फिर बाकी के पांच जो है वो अगले लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो निपटाना, और फिर इसके मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। उसी तरीके से पेपर नंबर वन के एमसीक्यूज है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, टीचिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार वाले एमसीक्यूज जो है, अगर आप एमसीक्यू भी लगा लेंगे, टीचिंग का सब्जेक्ट अगर आपने नहीं भी किया, एमसीक्यूज भी लगा के अगर चले जाएंगे, तो मेरा मानना यह है कि आप काफी कुछ कर सकते हैं, आपका पेपर काफी कुछ अटेम्प्ट हो सकता है। ओके हाँ जी, तो जल्दी से जुड़े रहे हमारे साथ में, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी भलाओ, अभी पेपर आ गया है तो उनकी भी रिवीजन थोड़ी सी बढ़िया हो जाए, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा, तो हम उसको सही करेंगे। ओके हाँ जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।